मेरा ये टेक है कि इंडिया में औरतों को फाइनली आवाज़ मिली है, और मुझे नाम नहीं लेने, मुझे आई मीन यू नो जिसके भी नाम आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर उन्होंने किए हैं, और इस चर्चा में बहुत सारे एलिगेशंस गलत भी हो गए, बट एटलीस्ट इंडिया में वुमेन को आवाज़ मिली है। क्योंकि 2 साल पहले अगर एक औरत आके बोलती थी कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, हमेशा आदमी गवर्नमेंट जो भी उसको बोलते थे, या तो आपने कपड़े सही नहीं पहने थे, या आपकी जेस्चर सही नहीं थी, या आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो यू नो फाइनली वुमेन, और बहुत सारे लोग ये भी डिबेट कर रहे हैं कि 20 साल बाद 30 साल बाद लोगों ने मुंह क्यों खोला, क्योंकि अभी वक्त है कि लोगों को दूसरों का सपोर्ट मिल रहा है मुंह खोलने को। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग दबा के रखते हैं 20 साल तक, हमें नहीं पता चलता, उनको पता है वो क्या झेलते हैं इस प्रॉब्लम में। सो बीइंग अ वुमन आई डेफिनेटली सपोर्ट मी टू, बट आई ऑनेस्टली वांट टू रीच आउट टू यू गाइस आउट देयर एंड से सिर्फ अगर कुछ सही है वो बताना, यू नो किसी के साथ बदला लेने के लिए मत करना, एंड डोंट जस्ट डू इट फॉर पब्लिसिटी। इट्स वेरी सीरियस, इट्स एन एवेन्यू फॉर अस वुमेन टू बी हर्ड, सो यूज़ इट केयरफुली एंड विथ रिस्पेक्ट।